अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का कंसेप्ट बताया था, और इफ स्टेटमेंट के केस में हम लोगों ने सिंटेक्स देख लिया था, और मैंने आपको एक दो एग्जांपल भी बताए थे। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे इफ स्टेटमेंट काम करता है, इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे क्या वर्क करता है, कैसे क्या वो कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एंट्री देगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो उतने ब्लॉक को वो स्किप करते हुए डायरेक्टली वहां से बाहर आ जाता है, राइट। लेकिन इसमें हमने एक प्रॉब्लम फेस करी थी, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार इसमें एक रिडंडेंसी वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो रही थी कि वो जो कंडीशन को चेक करता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 100 इफ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और मेरी कंडीशन फर्स्ट इफ स्टेटमेंट पर ही सेटिस्फाइड हो गई है, फिर भी स्टिल वो रिमेनिंग 99 इफ जो देकर रखे हुए हैं सब पे कंडीशन को चेक करने का काम करता है, तो ये तो प्रॉब्लम है। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर मेरी कंडीशन एक बार सेटिस्फाइड हो गई है तो उस केस में फिर वो बाकी की रिमेनिंग कंडीशंस को चेक ना करे। तो अब इस केस में इस टाइप की फंक्शनलिटी को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उस केस में आप प्रिफर करते हैं किसको, इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो अगर अपन बात करें अब यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होगा, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए। अभी अपने को देखना है यहाँ पे कंसेप्ट किसका, आपने इफ एल्स स्टेटमेंट का, है ना। तो अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, तो अब इफ एल्स स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा इफ, इफ की केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कंडीशन, ठीक है। और कंडीशन के बाद में अगर अपन बात करें तो फिर अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपके पास में जो भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे 1 to n, राइट। और फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर else, ठीक है। और else के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट 1 to n, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको देखकर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या बोल के रखा हुआ है आपको, तो अब इसमें आपको एक चीज ये समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि इफ कंडीशन, तो कंडीशन के अंदर क्या देख रखा है, स्टेटमेंट 1 to n, एल्स स्टेटमेंट 1 to n। अब ये क्या है, तो ये सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आपने इफ और ये जो एल्स लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो ये ब्लॉक फ्रेम कर रहा है वो वन एट अ टाइम ही चलेगा। मतलब कैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये जो कंडीशन आपने यहाँ पर देख के रखी हुई है ना, ये जो कंडीशन यहाँ पर आपको देख कर रखी हुई है ना, ये जो कंडीशन आपको देख के रखी हुई है यहाँ पर, तो अगर अब ये कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, आपकी ट्रू होती है, अगर कंडीशन यहाँ पर आपकी ट्रू होगी तो उस केस में आपको एंट्री मिलेगी, और अगर आपको एंट्री मिलती है तो उस केस में यहाँ पर अगर अपन बात करें तो उस केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि ये जो ब्लॉक दे के रखा हुआ है आपको यहाँ पर, ये वाला ब्लॉक क्या होगा यहाँ पर आपका, वर्क करेगा। सिमिलरली अगर अपन बात करें कि कंडीशन अब मेरी यहाँ पर क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कंडीशन मेरी क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन मेरी यहाँ पर फॉल्स हो गई तो उस केस में कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, इस एल्स पर आएगा, और एल्स के अंदर यहाँ पर जो दे के रखा हुआ है तो एल्स के अंदर वाला ब्लॉक मेरा यहाँ पर चल जाएगा। तब इससे क्या होगा कि कंट्रोल यहाँ आएगा, एल्स वाला चलेगा और आप यहाँ पे एल्स से बाहर आओगे, और अगर वो इफ चलता है तो इफ चलने के बाद में आप यहाँ पर इफ से बाहर आओगे। और मैं क्या मतलब क्या है कि कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो जो रेड बॉक्स है आप उसके अंदर एंट्री करोगे, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो सब कुछ चलेगा और डायरेक्टली वहां से आप जंप कर जाओगे, बाहर आ जाओगे, एल्स वाला नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंडीशन वहां पे फॉल्स हो जाती है तो आप डायरेक्टली एल्स वाले पर जंप करोगे और एल्स वाले के अंदर की सारी चीजें चलेंगी और फिर एल्स वाले से आप वहां से बाहर आओगे। तो या तो ऊपर वाला चलेगा या फिर आपका ये नीचे वाला चलेगा, दोनों में से एक बार में एक ही चलेगा। तो अब इस केस में ये होगा कि अगर आपने दो कंडीशन लिखी है, तो अब उस केस में नॉर्मल इफ में क्या हो रहा था, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, कि भले ही कोई सी भी कंडीशन सही हो गलत हो दोनों इफ चलाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर ये ऊपर वाली कंडीशन सही है तो एल्स वाला कोड चलेगा ही नहीं, और अगर कंडीशन गलत है तो इफ के अंदर का कोड नहीं चलेगा और वो एल्स पर आकर चीजों को चला देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे इसका एग्जांपल कैसे बनेगा और इसका फ्लो चार्ट कैसे क्या बनता है, तो अगर अपन इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो इसका फ्लो चार्ट सिंपली ऐसा बनता है कि यहाँ से आपकी फ्लो लाइंस आएंगी, और फ्लो लाइंस आने के बाद में आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, ये ऐसा डायमंड जैसा सिंबल रहेगा, राइट।
अब इसके अंदर अब आप क्या लिखते हो, तो इसके अंदर अब आप यहाँ पे लिखते हो कंडीशन। अगर कंडीशन अब यहाँ पर क्या होती है आपकी, तो कंडीशन अब यहाँ पर या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो मैंने बोला कंडीशन अगर यहाँ पे मेरी ट्रू होती है तो मुझे एंटर मिलेगी और यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट या जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर कंडीशन मेरी क्या हो जाती है यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और बाकी के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो चलेंगे। और उसके बाद में फिर कंट्रोल यहाँ आएगा आपका, यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से आप कहाँ जाओगे, बाहर आ जाओगे। यहाँ पर आपको जो भी स्टेटमेंट चलाना है, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट चलाना है, जो भी इनपुट वगैरह जो भी आपको गेट करना है, वैसी फंक्शनलिटी आ जाएगी। डिपेंड करेगा, मैंने यहाँ पर इनपुट का लगा दिया है ना, वो इनपुट आउटपुट या प्रोसेस वगैरह जो भी होगा डिपेंड करेगा आपके उस टाइम पर लिखने पर, ठीक है। तो ये सिंपली एक उसका फ्लो चार्ट टाइप होता है कि ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, मैनेज होती है। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे कैसे क्या चीज़ों को अपन हैंडल करेंगे, कैसे क्या प्रोग्राम में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो चलते हैं अपन। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको वी एस कोड विजिबल है, अपन वी एस कोड पर आए। ये मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल आपको बताया था, अपन इसको सेव एज कर लेते हैं बाय द नेम डेमो 13, राइट। प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना। हमें कंसेप्ट किसका देखना है, इफ एल्स स्टेटमेंट का कंसेप्ट देखना है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट का अगर मुझे कंसेप्ट देखना है तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 13, राइट। अब 13 लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यूजर को बोलेंगे एंटर, एंटर में मैंने लिखा है सैलरी, राइट। तो अब यहाँ पर मेरे पास में क्या जाएगी, तो मेरे पास में यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। तो मैंने बोला उसके अलावा, तो उसके अलावा मैंने बोला यहाँ पर एंटर एक्सपीरियंस। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा एंटर और एंटर में मैंने लिखा है ई एक्स पी आर आई ई एन सी एक्सपीरियंस, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया ई एक्स पी, राइट। अपन अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें कि हमें करना क्या है, तब सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे क्या यूजर से क्या गेट किया है, तो यूजर से मैंने यहाँ पे सैलरी गेट की है और यूजर से मैंने एक्सपीरियंस गेट किया है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है कि इफ सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 10,000 एंड एंड है ना एक्सपीरियंस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, है ना। उस केस में फिर क्या होगा कि अगर सैलरी भी 10,000 या 10,000 से ज्यादा होना चाहिए एंड एंड, है ना, मतलब दूसरी कंडीशन भी मैंडेटरीली सेटिस्फाइड होना चाहिए कि एक्सपीरियंस भी कितना 5 या 5 से ज्यादा होगा। तो उस केस में फिर अब आप यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर आप क्या प्रिंट करवा देंगे, तो आप प्रिंट करवा देंगे एलिजिबल टू गेट हाइक, एलिजिबल टू गेट हाइक, और नहीं तो आप एल्स में आएंगे और एल्स में आने के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में आप क्या बोलेंगे नॉट एलिजिबल टू गेट हाइक। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत? आपने सिंपली सिर्फ कंडीशन सेट करी है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इसके अंदर एंटर मिलेगी, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो आप एल्स पर चले जाओगे। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर चलाने को, तो आप कंट्रोल प्लस टिल्ड का साइन अगर ऐसा प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे इसके टर्मिनल पर भी इसके प्रोग्राम को चला सकते हो, और अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी प्रेस करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा उस पाथ पे और आप उस पर भी प्रोग्राम चला सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा जावा सी, मैंने लिखा डेमो 13.java। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अब अपने को क्या करना है, तो अपने को क्लास का नाम लिखना रहेगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट जावा क्लास नेम, एंटर सैलरी मैंने कितना लिखा है यहाँ पे 2000 और एंटर एक्सपीरियंस मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 2, तो देखो नॉट एलिजिबल टू गेट है। फिर से अगर अपन बात करें तो मैंने फिर से इसे रन किया, मैंने लिखा 12,000 और मैंने एक्सपीरियंस में कितना लिखा 3, स्टिल नॉट एलिजिबल टू गेट है। अपन फिर से आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर कितना 12,000, एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया 6, तो एलिजिबल टू गेट है। क्लियर है यहाँ पर, इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें हमने करा क्या है, यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करी है, वैल्यू गेट करके आपने इफ और एल्स की कंडीशन यहाँ पर मैनेज कर लिया। क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है। किसका कंसेप्ट है ये आपका, इफ एल्स का। प्रोग्राम सारे मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है, प्रोग्राम शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा डेमो 14,
I'm showing the concept of if else statement. अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर demo 14, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, enter, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया enter age, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है age, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या, तो मैंने चेक किया इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी होती है 18, तो उसके इसमें आप क्या बोलेंगे एलिजिबल टू वोट नॉट एलिजिबल टू, आपने यूजर से क्या गेट कर रहा है एज गेट किया है, अगर एज आपकी 18 या 18 से ज्यादा होती है तो यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू या तो if या फिर else। तो ये इसके बाद में अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ होता तो वो भी चलता है ना, कि अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे मेरे पास में ऐसा लिखा हुआ है system dot out dot print ln है ना, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर end of program है ना, तो वो डिपेंड करेगा आप क्या एंटर कर रहे हो है ना, क्या एंटर कर रहे हो मतलब, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे कंपाइल किया, यहाँ पर आकर अपन इसे क्या करेंगे रन करेंगे, मैंने कितना लिखा, मैंने लिखा 56, तो 56 के केस में भी क्या हुआ एंड ऑफ प्रोग्राम लिखा हुआ आया है, और अगर आपने यहाँ पे 12 लिख दिया तो उस केस में भी एंड ऑफ प्रोग्राम तो लिखा हुआ आया, मतलब क्योंकि वो एंड ऑफ जो प्रोग्राम आपने लिखा था वो आपने इफ एल्स के बाहर लिखा था, या तो इफ का कंटेंट चलेगा या एल्स का कंटेंट चलेगा, लेकिन उसके बाद में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो तो चलना ही है, तो वो आपका चल ही रहा है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं वापस से यहाँ पर अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, इसमें भी अपन बेसिक इफ का ही एग्जांपल देख रहे हैं, मतलब इफ एल्स का ही, तो मैंने लिखा एंटर टू नंबर्स, अब एंटर टू नंबर्स में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब ध्यान से देखना एंटर टू नंबर्स में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने ए की वैल्यू गेट कर लिया यूजर से, ए की वैल्यू गेट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, मैंने लिखा एंट बी, अपन यहाँ पे यूजर से बी की वैल्यू ऐड कर लेंगे, और अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ए बड़ा है क्या बी से, अगर हाँ ए बड़ा है तो वी आर गोइंग टू प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर है ना, एल्स क्या प्रिंट करवा देंगे, बी इज ग्रेटर, ठीक है, इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे ये क्या, तो स्क्रीन को मैंने क्लियर किया, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ लिखा है 15, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो एंटर टू नंबर्स, मैंने लिखा 56, मैंने लिखा 43, 56 इज ग्रेटर, करें मैंने लिखा 34, मैंने लिखा यहाँ पर 45 इज ग्रेटर, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, आप इसको चलाओ फिर से, आपने लिखा 45, ये तो दोनों क्या बराबर है ना, दोनों को देख के आप बता सकते हो कौन सा 45 बड़ा है कौन सा 45 छोटा है, तो फिर आप उस केस में वो क्या बोल रहा है 45 इज ग्रेटर, तो इसमें इफ चला या एल्स चला, ठीक है, लेकिन गलत है, एल चलेगा ना, इफ कैसे चलेगा, क्या 45 बड़ा है क्या 45 से, नहीं, 45 इज नॉट ग्रेटर देन 45, तो उसने एल्स पे आके प्रिंट करवा दिया, अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर आओ, यहाँ आने के बाद में आपने इसको कट किया, आपने यहाँ पर उसको पेस्ट किया, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर आप ये लिखो गेट्स एंट्री इन इफ, ठीक है, और आप यहाँ पे इसको कॉपी करो, और यहाँ आकर आप एक काम ये करो, यहाँ आकर आप इसको पेस्ट करो, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए राइट, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया गेट्स एंट्री इन, आप देखो यहाँ पर इसको चलाकर अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा इसको रन किया, तो रन करने के लिए मैंने सबसे पहले तो कंपाइल किया, कंपाइल करके अपन यहाँ पर इसको रन कर रहे हैं, आप देखो आपने लिखा 34, आपने लिखा 34, अब देखो 34 इज ग्रेटर और गेट्स एंट्री इन एल्स, मतलब वो इफ में नहीं गया वो एल्स में गया, तो ये तो गड़बड़ है, मेरे को तो अब ये चेक करना है क्या दोनों बराबर है, तो वहां पे लिखा हुआ है बोथ आर इक्वल है ना, वहां पे लिखा हुआ है बोथ आर इक्वल, तो अब फिर अगर मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ कंडीशन को मैच करना है, तो फिर अब उस केस में आपके पास में जो नया कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है वो आता है नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, तो आपने देखा सबसे
पहले तो इफ में आपने क्या देखा कि अगर कंडीशन सही है तो एंट्री मिलेगी, कंडीशन गलत है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन फिर आपने ये देखा कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट हो गए तो सारी कंडीशन चेक होगी, मेरे को तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करना है कि जो चल रहा है उसको चलाना है, जो नहीं चल रहा है उसको स्किप करना है, तो फिर मैं इफ एल्स पर आया। लेकिन इफ एल्स पर आने के बाद में चीजें ठीक है, मेरी चीजें सिंप्लीफाई तो हुई कि इफ के अंदर एंट्री मिली या फिर मेरे को एल्स के अंदर मिली, वन एट अ टाइम दोनों में से एक बार में एक ही जगह मेरे एंट्री मिल रही है और मेरा काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिल रही है कि अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो फिर मैं उसको कैसे मैनेज करूँ। अभी एक से ज्यादा कंडीशन मतलब कैसे है, जैसा अभी आपने देखा है यहाँ पर कि अगर ए इक्वल्स टू इक्वल्स टू बी है ना, तो दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर ये चेक होना चाहिए कि क्या ए बड़ा है बी से, अगर हाँ तो ए इज ग्रेटर, नहीं तो बी इज ग्रेटर। तो यहाँ पे मेरे को एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करने की रिक्वायरमेंट लग रही है ना, तो जब भी आपको एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो उस केस में आप किस पर जाते हैं, नेस्टेड इफ एल्स पर जाते हैं। अभी नेस्टेड डिफेंस केस में आप इसको कैसे रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट करेंगे, तो आप ऐसा समझे कि आपके कॉलेज में कंपनी आई, कंपनी ने ये क्राइटेरिया रखा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन था, है ना, ऐसे स्टूडेंट जिनके 10th क्लास में 60% एंड अबाउ थे या फिर जिसका फर्स्ट डिवीजन था वही एलिजिबल होगा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। तो ठीक है, स्टूडेंट्स जो एलिजिबल थे उन्होंने एग्जाम दे दी। अब फिर कंपनी ने वापस एक और कंडीशन रखी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि 12th क्लास में भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे वही सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है, तो एक और कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट लग गई। फिर उसके बाद में कंपनी ने एक और कंडीशन रख दी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी ग्रेजुएशन में 68% से ऊपर है तो फिर उस केस में ही वो एलिजिबल होंगे। कंपनी ने एक और कंडीशन रख दी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% पर है वही नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी कंडीशन अपॉन कंडीशन की रिक्वायरमेंट आती जा रही है, और जहाँ पर भी मल्टीपल कंडीशन ऐसे आती है तो उस केस में आप नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। इफ का सिंटैक्स पता है, इफ एल्स का सिंटैक्स पता है, लेकिन नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स फिक्स नहीं होता, क्योंकि कितनी कंडीशन आ रही है या कितनी कंडीशन आपको मैनेज करना है ये फिक्स नहीं रहता है। अब ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी कंडीशन लगा रही है, कि 10th पे भी उसने रेस्ट्रिक्शन लगाया, 12th पे भी लगाया, ग्रेजुएशन पे भी लगाया, पोस्ट ग्रेजुएशन पे लगाया। हो सकता है कि फिर उसके बाद में वो ये रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि यार ऐसे स्टूडेंट जो 5 साल के बॉन्ड को फिल करने के लिए रेडी है वही आए। हो सकता है वो बोल दे कि यार हम 10 साल तक इतने रुपए देंगे, 5 साल तक इतने रुपए देंगे, 2 साल तक इतने रुपए देंगे, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो फिर वो डिपेंड करेगा चीजों पे, है ना, कि कितनी कंडीशंस वहां पर एग्जिस्टेंस में आ रही है। तो इसलिए इसका कोई सिंटेक्स फिक्स नहीं होता। अब इसका अगर सिंटेक्स फिक्स नहीं होता है तो फिर उस केस में अपन यहाँ पे कुछ पॉसिबल सिंटेक्सेस देख रहे हैं, है ना, कि कुछ पॉसिबल सिंटेक्स मतलब इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, है ना। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये अपन आते हैं अब यहाँ पर देखते, ये अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 1 to n। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इफ कंडीशन, और मैंने लिखा स्टेटमेंट 1 to n। मैं यहाँ पर आया एल्स पर, अब एल्स के अंदर आकर अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो एल्स के अंदर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो एल्स के अंदर आकर मैंने फिर से लिखा है इफ, इफ में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कंडीशन। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर आकर आप सिंपली बोलेंगे स्टेटमेंट 1 to n, और नहीं
अपन बोलेंगे यहाँ पर एल्स, और एल्स में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर ठीक है, अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये है क्या या ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ध्यान से समझना है। इधर इसको अपन कॉपी भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखना है इधर ध्यान से। अब ये जो देखिए रखा हुआ है, ये अपन जो कंसेप्ट देख रहे हैं वो कंसेप्ट किसका देख रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट देख रहे हैं। नेस्टेड इफ एल्स किस लिए देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि इफ में मल्टीपल मतलब एन नंबर ऑफ टाइम मैं इफ स्टेटमेंट को चेक कर सकता हूँ। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इफ एल्स पर आया, इफ एल्स में मैंने देखा कि या तो इफ या फिर एल्स, और फिर उस प्रॉब्लम में मैंने ये देखा कि यार वहाँ पर अगर मल्टीपल कंडीशंस है तो फिर उसके में मैं चीजों को कैसे मैनेज करूंगा, तो उसके लिए फिर मैं नेस्टेड इफ एल्स पर आया। नेस्टेड इफ एल्स के केस में सबसे पहला सिंटैक्स है, नेस्टेड इफ एल्स का कोई भी सिंटैक्स फिक्स नहीं होता है, है ना। अपन यहाँ पे सिर्फ एक एस्टिमेटेड सिंटैक्सेस देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, बाकी तो वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम पर कि आपको क्या प्रॉब्लम मिलती है और उसके रिस्पेक्ट में आपको कितनी कंडीशंस वहां पर मैनेज करना है। तो अब अगर उसमें से एक पॉसिबल सिंटैक्स ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देख रखी है, कंडीशन है ना, सबसे पहले आपको क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले आपको देके रखा है यहाँ पर कंडीशन। अब सबसे पहले अगर आपको कंडीशन देके रखी हुई है तो अब उसके इसमें आप क्या बोलोगे कि अगर कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी ट्रू, अगर कंडीशन अगर यहाँ पर आपकी ट्रू होती है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर ये जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे आपके, ये स्टेटमेंट्स चलेंगे, और ये स्टेटमेंट चलने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ से कहाँ आ जाओगे, बाहर। रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आपके नहीं चलेंगे। अगर कंडीशन सही है, आपको अगर एंट्री मिलती है ना, अगर ये ट्रू होता है और अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप डायरेक्टली वहां से वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके डायरेक्टली वहां से कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? लेकिन अगर कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, तो फिर उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पर आकर कहाँ आएंगे, आपके इस एल्स पर, और एल्स के अंदर फिर ये जितने भी लिखे हुए हैं इससे आपको टास्क परफॉर्म करना रहेगा। आप कहाँ जाएंगे, आपके एल्स के अंदर। अब एल्स के अंदर तो आप आ गए हैं, अब इसके बाद में अब क्या होगा यहाँ पर, तो इसके बाद में आपको ये देखना रहेगा कि एल्स के अंदर आने के बाद में अब आपकी फिर से कंडीशन चेक होगी। अब फिर से जब आप कंडीशन चेक करेंगे तो फिर ये चेक होगा कि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप इस इफ के अंदर आएंगे, और इस इफ के अंदर ये जो देके रखे हुए हैं स्टेटमेंट्स ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, और फिर अब आप यहाँ से कहाँ आओगे, बाहर आओगे। और अगर यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, आपकी फॉल्स हो जाती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जंप कर जाओगे किस पे, एल्स पर, और फिर एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं आप यहां से कहां आओगे, बाहर। तो समझ में आया क्या, मतलब पहले इफ चलेगा, अगर कंडीशन क्या होगी आपकी सही होगी तो इफ के अंदर आपको एंट्री मिलेगी, इफ के अंदर के स्टेटमेंट चलेंगे और वहां से बाहर आओगे, फिर एल्स कुछ नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंडीशन वहां से फॉल्स हो जाती है तो इफ नहीं चलेगा और फिर डायरेक्टली कहां आ जाओगे आप, एल्स पर। एल्स के अंदर फिर आपको क्या मिलेगा, इफ एल्स मिलेगा। तो फिर से वो इफ की कंडीशन चेक करेगा, अगर सही है तो इफ के अंदर आओगे और गलत है तो फिर वो एल्स पर आ जाओगे, और जहां पर भी जाओगे वहां से डायरेक्टली फिर आप बाहर आ जाओगे। क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आया? तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे इसका एग्जांपल अपन अगर देखना चाहे तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है। अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई यहाँ पर कि अगर ए इज ग्रेटर बी इज ग्रेटर में दोनों अगर बराबर हो गए तो आप क्या करोगे, है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव एस किया बाय द नेम डेमो 16, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या, मैंने इसको तो यहाँ से हटा दिया, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा अगर ए इक्वल्स टू क्या होता है,
अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा, प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, बोथ आर इक्वल, क्लियर है? और नहीं, अगर दोनों बराबर है तो आ जाएगा बोथ आर इक्वल, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर अपन ने ये ऐसा तो लिखा है, अब ऐसा लिखने के बाद में मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ, चलाने के केस में मैंने यहाँ पे लिखा है डेमो 16, है ना, मैंने कंपाइल किया, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैंने लिखा 45, मैंने लिखा 45, तो आ गया बोथ आर इक्वल, लेकिन इन केस अगर ऐसा हो गया कि 45 और 67, अब आपने एंटर किया तो देखो कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इफ कंडीशन तो सेटिस्फाइड ही नहीं हुई, तो फिर आपने एल्स भी तो नहीं लिखा था कि उसके रिस्पेक्ट में प्रिंट क्या करवाना है, तो फिर आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, अब आपको लिखना रहेगा यहाँ पर एल्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एल्स, और एल्स के अंदर आकर अब आप क्या करेंगे, तो आपको वो कंडीशन मैनेज करना रहेगी, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि अगर ए बड़ा होगा बी से तो ए इज ग्रेटर, नहीं तो बी इज ग्रेटर, समझ में आया क्या? जैसा भी आपने देखा ना यहाँ पर सिंटेक्स ये लिखा था ना, इफ के अंदर कंडीशन अगर ये ऐसा हुआ तो इफ स्टेटमेंट 1 to n करके यहाँ से बाहर आ जाओगे, तो हुआ ना यहाँ पर कि अगर दोनों बराबर हो गए तो यहाँ से बाहर आ जाओगे, और अगर नहीं बराबर नहीं होते हैं तो आप एल्स में जाओगे, और एल्स में जाके फिर इफ और एल्स को आप चेक करोगे, तो अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो आप एल्स में आओगे, और एल्स में आके इफ और एल्स को चेक करोगे कि अगर ए बड़ा होगा बी से तो ए इज ग्रेटर, और नहीं तो बी इज ग्रेटर। अब इसको रन कर कर देख लो, आपने इसको सेव किया, तो स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पर आकर मैंने क्या कितना करा है, मैंने लिखा यहाँ पर 16 ही है, यहाँ पर आकर मैंने इसे रन किया, एंटर टू नंबर्स, मैंने लिखा 34, 34 तो बोथ आर इक्वल, लेकिन अगर मैंने लिख दिया 34 और मैंने लिखा 67 तो आ गया 67 इज ग्रेटर, और अगर मैंने लिखा 65 इज, क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये तो मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया, राइट? अब इसके अलावा अगर अपन देखें तो अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पे, या एग्जांपल देख लो आप, इसमें किसी को कुछ देखना हो तो, क्लियर क्या? अपन बात करें इसके अलावा, तो चलते अपन यहाँ पर फिर वापस से यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपना वो करना क्या है ना, तो अपन वापस से देखते अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा इफ, ठीक है, इसी से लिखते हैं अपन। इफ में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो अभी मैंने इफ कंडीशन लिखा, और इफ कंडीशन के बाद में अपन आते हैं इफ, और मैंने फिर से लिखा है यहाँ पर कंडीशन, नहीं मैंने लिखा है एल्स, ठीक है? तो अपन ने करा क्या यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, अपन ठीक है, अभी ऐसा कुछ देख के रखा हुआ है आपको इफ कंडीशन और ऐसा कुछ। अब इसके पहले वाले सिंटेक्स में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उस सिंटेक्स में देखो, इफ के अंदर पहले स्टेटमेंट 1 to n लिखा था, और एल्स के अंदर जाकर इफ एल्स लिखा था, ऐसे ही हो रहा था ना, यहाँ पर आपने देखा होगा,
यहाँ पर आपने देखा होगा कि इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 to n, लेकिन else के अंदर क्या देख रखा हुआ था यहाँ पर, तो else के अंदर आपको यहाँ पे क्या देख रखा था, if else देख के रखा हुआ था। लेकिन अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो जो else के अंदर if else देख रखा था, अब वो सेम कंडीशन उसकी वाइस वर्सा हो गई कि वो किस में देख रखा हुआ है आपको, इफ के अंदर देख रखा हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या देख रखा है, इफ के अंदर इफ एल्स दे दिया है और एल्स के अंदर वही एक स्टेटमेंट दे दिया है, जैसा वो ऊपर था उधर इफ के अंदर स्टेटमेंट 1 to n था, अब इधर एल्स के अंदर स्टेटमेंट 1 to n है, उधर एल्स के अंदर इफ एल्स था, इधर इफ के अंदर इफ एल्स है। अब क्या होगा, अब सिंपली यहाँ पर फिर से वही चीजें होंगी कि कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन क्या होती है आपकी, अगर ट्रू होती है तो आपको एंटर मिलेगी, और कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप कहाँ आ जाओगे, तो कंडीशन फॉल्स होने पर आप आ जाओगे यहाँ पर आपके एल्स। अब फिर अगर अपन बात करें इफ के अंदर एंटर मिली है, तो अब यहाँ पर फिर क्या होगा, तो यहाँ पर अब कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो उस केस में क्या होगा, आपका स्टेटमेंट 1 to n चलेगा और आप यहाँ से बाहर आओगे, और कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आप एल्स के स्टेटमेंट्स पर आएंगे और फिर अब आप यहाँ से बाहर आ जाओगे, और अगर ऊपर ही कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली इस एल्स से बाहर आ जाओगे। समझ में आया क्या, सभी को क्लियर है कि पहले आपने एल्स के अंदर इफ एल्स लिखा था, अब आपने इफ के अंदर इफ एल्स लिखा है। ठीक है, तो चलते हैं अपन यहां पर इसका एग्जांपल देखने, किसका एग्जांपल कैसे क्या बनेगा, है ना, तो देखते अपन आ जाते हैं यहां पर। यहां आने के बाद में मैं करूंगा क्या, मैंने लिखा 17, बनाते हैं यहाँ पर आकर मैंने लिखा है 17। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले अभी यहाँ पे यूजर को बोलूंगा एंटर नेशनलिटी, है ना, स्मॉल या फिर कैपिटल आई फॉर इंडियन। अपन यूजर को बोलेंगे कि वो नेशनलिटी एंटर करें इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, है ना, स्मॉल या फिर कैपिटल आई, है ना, सिंपली फॉर checking that whether the entered या whether the user is Indian or not, है ना, कि आपको ये check करना है कि जो user है ना वो Indian है या नहीं है, तो वो कैसे यहाँ पे अपने आप को mention करेगा, तो वो या तो small i या capital i लिखेगा तो वो Indian consider होगा, उसके अलावा कुछ भी लिखेगा तो वो other than Indian होगा। तब उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो अब सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पर small या capital i लेना है तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा char ch sc dot next और next वन में आपके लिखेंगे dot caret, तो यहाँ पर आपने लिख लिया 0। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब जैसे कि मैंने अभी आपको सिंटेक्स बताया था, अब सिंटेक्स में क्या होगा, तो सिंटेक्स में ये होगा कि अगर ch equals to equals to क्या होता है small i, या फिर ch equals to equals to क्या होता है capital i, तो आपको एंट्री मिलेगी, और नहीं तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर एल्स पर आकर बोल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे नॉट एन इंडियन। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आपने कैरेक्टर तो यूजर से गेट किया है ना, कैरेक्टर कैसे गेट कर रहे हो, कैरेक्टर गेट करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर आपको एससी से नेक्स्ट नाम के मेथड को कॉल करना पड़ता है, और उसके बाद में ही आपको डॉट कैर एट 0 लिखना पड़ता है, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर देती है, और उस स्ट्रिंग में आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आपको सिर्फ एक कैरेक्टर की स्पेस चाहिए, है ना, अपने किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए, तो इससे यहाँ पर वो क्या रिटर्न कर देता है, एक कैरेक्टर की स्पेस आपको रिटर्न कर दे रहा है। अब उसके बाद में आपने चेक करा कि अगर वो सी एच में स्मॉल आई है या फिर उस सी एच में अगर कैपिटल आई है तो एंट्री मिलेगी, और नहीं है तो आप डायरेक्टली एल्स पर आ जाओगे। अब अगर मैंने बात करी यहाँ पे कि ठीक है कि सामने वाले ने जो कैरेक्टर एंटर किया है वो स्मॉल या फिर कैपिटल आई है, तो फिर आप उसे इसमें अपन करेंगे क्या, तो फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अपने यहाँ पर लिख देंगे एंटर एज, अपन उससे क्या पूछ लेंगे, एज पूछ लेंगे, मैंने लिख लिया यहाँ पर एज, अगर वो इंडियन है तो मैं उससे एज पूछ लूंगा, और एज पूछने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है 18, तो अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे एलिजिबल टू वोट।
और ना ही आप क्या बोलेंगे else में आके system dot out dot println क्लियर है, आपने ऐसा कुछ लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपने if के अंदर यहाँ पे क्या कर दिया है, तो if के अंदर आपने यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दी है if के अंदर और नहीं तो else के अंदर, तो वो है ही सही। अपन उसको सेव करते हैं, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा 17 इंटरनेशनलिटी, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया ए नॉट एन इंडियन, लेकिन मैंने अपने यहाँ पे लिखा स्मॉल आई, तो वो मुझसे एज पूछेगा एलिजिबल टू वोट, मैं से वो पूछा नेशनलिटी, मैंने लिखा कैपिटल आई, मैंने लिख दिया 12 नॉट एन इंडियन। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसको बंद कर देना यार, इसको बंद कर। यहाँ तक क्लियर है क्या, ज़्यादा सभी को समझ में आया, ठीक है देख लो एक बार कोई। एक बार कोड देख लो, देखिए दूसरा एग्जांपल, सभी को क्लियर है। अब अगर अपन बात करें कि अभी हमने ये देखा कि if के अंदर है ना, अभी आपने यहाँ पे देखा कि if के अंदर स्टेटमेंट वन टू एंड था, else के अंदर if else था, फिर आपने देखा if के अंदर if else आ गया, else के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट था। अब ऐसी कंडीशन आएगी कि if के अंदर भी if else होगा और else के अंदर भी if else होगा। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैंने बोला आप लोग करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे, और तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ इसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है इफ, फिर से लिखा है कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया है एल्स, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा स्टेटमेंट वन टू, ठीक है। फाइनली अपन क्या करेंगे, इसको मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा एल्स, फिर यहाँ पर आया, मैंने इसमें यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है, राइट। तो इसमें अपन एक काम करते हैं, ठीक है, तो इसमें अब आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर आपने एंटर किया, ठीक है, अभी ऐसा आपको देख के रखा हुआ है यहाँ पर, अभी ये देख के रखा हुआ है, ये है क्या, तो ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इसमें ये देखो, जैसे भी आपने देखा था कि पहले एल्स के अंदर ही फेल्स था, फिर इफ के अंदर ही फेल्स था, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर ये हो गया है कि यहाँ पर इफ के अंदर भी आपके पास में इफ एल्स आ गया है, और यहाँ पर आपके पास में एल्स के अंदर भी क्या आ गया है, इफ एल्स आ गया, इफ के अंदर भी इफ एल्स आ गया है, एल्स के अंदर भी आपके पास में इफ एल्स आ गया है। अब क्या होगा, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो आप इधर आओगे, और यहाँ आने के बाद में ये इफ और ये एल्स दे के रखा हुआ है, तो आप अगर कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है तो आप इसके फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाओगे, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आप उसके सेकेंड स्टेटमेंट पे जाओगे, सिमिलरली कंडीशन अगर यहाँ सही होती है तो आप इसके फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाओगे, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आप इसके एल्स स्टेटमेंट पे जाओगे,
वहीं अगर मैं बात करें कंडीशन सही होती तो फर्स्ट पे आओगे, कंडीशन अगर गलत होती है तो आप यहाँ पे सेकंड पर आओगे। क्लियर है क्या? मतलब सही है तो किधर जाना है और गलत है तो किधर जाना है, राइट। अब इसी में अगर अपन बात करें, इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर अपन देखें तो अपन इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, है ना, या अपन इसमें एल्गोरिथम लिख सकते हैं, है ना। और मुझे जो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बनाना है वो किसका बनाना है, तो मुझे वो बनाना है प्रोग्राम टू चेक या प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर नंबर अमंग थ्री नंबर्स। तीन नंबर में से मुझे ग्रेटर नंबर निकालना है। अब तीन नंबर में से अगर मुझे ग्रेटर नंबर निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर लिखना रहेगा स्टार्ट। अब स्टार्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये स्टार्ट के बाद में अगर अपन बात करें तो फिर आपके पास में क्या जाता है यहाँ पर, इनपुट। इनपुट में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ए बी और सी। यहाँ पर तीन वेरिएबल लिया आपने, तीन वेरिएबल लेने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर आने के बाद में आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, तो आप ये चेक करेंगे कि इज ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है क्या बी से। अगर हाँ ए बड़ा है बी से तो फिर आप इधर आएंगे, कंडीशन यहाँ पे ट्रू कंसिडर होगी। और अब आप फिर ये चेक करेंगे कि क्या इस, है ना, ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से भी बड़ा है क्या। और अगर कंडीशन गलत होती है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो फिर आप वापस से इधर आएंगे और यहाँ आकर अब आप क्या करेंगे, यहाँ आकर अब आप चेक करेंगे कि इस, ये तो क्या था ए बड़ा है बी से, अगर ट्रू है तो अपन चेक करेंगे क्या ए सी से भी बड़ा है क्या, और अगर गलत है तो अपन चेक करेंगे कि क्या बी बड़ा है क्या सी से। अब अगर अपन बात करें, अगर हाँ ए बड़ा है किससे, सी से, तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, ए इज ग्रेटर। अगर नहीं तो अब यहाँ पर आप क्या प्रिंट करोगे, तो आप प्रिंट करोगे सी इज ग्रेटर। अगर यहाँ पर बी बड़ा है सी से, है ना, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, बी इज ग्रेटर। और नहीं तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, सी इज ग्रेटर। और एट द एंड अब आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ आकर आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर आकर आपने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आप आएंगे बाहर और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, स्टॉप। क्लियर है क्या? अब इससे क्या होगा, ये आपने ऐसा कुछ बनाया। अब इसमें अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, नंबरिंग की, है ना, तो नंबरिंग की केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि ये क्या होगा आपका फर्स्ट स्टेप होगा, फिर ये सेकंड, है ना, फिर ये क्या होगा थर्ड, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे फोर्थ, है ना, फिर अगर आपको इधर आना है तो आप ऐसा बोल सकते हो ये होगा फिफ्थ, फिर ये कितना हो जाएगा सिक्स, है ना, सेवन, फिर कितना होगा एट, और फिर नाइन, और फाइनली आप क्या बोलेंगे, टेन। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया? टेबल ने क्या क्रिएट किया है यहाँ पर, अपना इसका फ्लो चार्ट क्रिएट किया है। क्लियर है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें कि इसी फ्लो चार्ट के रिस्पेक्ट में अगर मुझे क्या क्रिएट करना है यहाँ पर, अगर एल्गोरिथम क्रिएट करना है, तो एल्गोरिथम अपन कैसे क्रिएट करेंगे, तो अगर मुझे इसकी एल्गोरिथम अगर क्रिएट करना है, है ना, तो ध्यान से देखना है, इधर अपन आते हैं, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ, मैंने करा 18, ठीक है, अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने लिख लिया प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर नंबर अमंग थ्री नंबर्स, है ना, प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर नंबर अमंग थ्री नंबर्स। अपन अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने कितना लिख लिया है, मैंने लिख लिया है इसको 18, और 18 के बाद में अगर अपन बात करें आप क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले यूजर को बोलेंगे एंटर थ्री नंबर्स, ठीक है, लेकिन अपने को तो अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, अपने को सबसे पहले इसका एल्गोरिथम लिखना था, है ना, तो मैं बस इतना सा लिख लेता हूँ यहाँ पर, मैंने लिख लिया इंट ए, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, इसे कॉपी किया, मैंने पेस्ट और पेस्ट किया, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए लिखा मैंने, लिखा यहाँ पर बी, और मैंने लिखा यहाँ पर सी, ठीक है।
अब फिर अपन बात करें अपने को क्या करना है, तो अपने को तो इसका एल्गोरिथम लिखना है ना। एल्गोरिथम लिखना है तो अपन अब कैसे लिखेंगे, तो अब ध्यान से लिखना है इधर। ठीक है, ध्यान से देखना है इधर अपन करेंगे क्या यहाँ पर। ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टेप वन। अब स्टेप वन में क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में स्टार्ट। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फिर स्टेप टू। स्टेप टू में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप चेक करेंगे ना, पहली स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप हो गई। अब स्टेप थ्री में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे है ना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा होगा बी से है ना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन गो टू स्टेप, कौन सा, अगर ए बड़ा होगा बी से तो देन गो टू स्टेप नंबर, गो टू स्टेप फोर। ठीक है, अदरवाइज गो टू स्टेप है ना, कहाँ जाएगा वो, फाइव पर। क्लियर है, समझ में आया मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने सबसे पहले स्टार्ट लिखा, फिर इनपुट ए कॉमा बी कॉमा मैंने सी लिखा, फिर मैंने लिखा अगर ए बड़ा होगा बी से तो देन गो टू स्टेप नंबर फोर है ना, और नहीं तो अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर फाइव। अब अगर मैं बात करें तो इसके बाद में वो जाएगा कहाँ पे, तो इसके बाद में जाएगा वो फोर्थ नंबर के इस स्टेप पर। मतलब तो फोर्थ पर जाएगा, तो आप क्या चेक करोगे कि अगर क्या ए बड़ा होता है किससे, सी से। अगर ए बड़ा होता है किससे यहाँ पर आपका, सी से। तो अगर ए बड़ा होगा सी से तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, देन गो टू स्टेप है ना सेवन, सही है ना, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर क्या जाएगा यहाँ पर, सिक्स। अगर ए बड़ा होगा सी से तो देन गो टू स्टेप नंबर सेवन, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर सिक्स। आपने वहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, आप फाइव पर भी तो आ रहे थे, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कॉपी करके क्या, स्टेप नंबर फाइव। और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि अगर अब बी बड़ा होगा किससे, सी से, तो देन गो टू स्टेप नंबर एट है ना, और नहीं तो गो टू स्टेप नंबर नाइन। तो फिर अब अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तो आप यहाँ पर आए स्टेप नंबर सिक्स, तो स्टेप नंबर सिक्स पर क्या देखे रखा हुआ है, आप सिंपली यहाँ पे बोलेंगे आउटपुट, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, सी इज ग्रेटर है ना। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सिक्स, फिर यहाँ पे कितना जाएगा सेवन, फिर यहाँ कितना आएगा एट, और फिर यहाँ पे कितना जाएगा आपका नाइन। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आउटपुट सी इज ग्रेटर, फिर सेवन में आप क्या बोलेंगे ए इज ग्रेटर, एट में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, एट में आप बोलेंगे बी इज ग्रेटर, और उसके बाद में फिर आप नाइन में क्या बोलेंगे सी इज ग्रेटर, और फाइनली आप क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर टेन, और स्टेप नंबर टेन में आप क्या बोलेंगे स्टॉप। क्लियर है क्या, ये इधर जो देखा आपने वो फ्लो चार्ट था, और ये जो आपने लिखा है यहाँ पर, ये क्या है आपका, ठीक है, देख लो इसमें से किसी को कुछ लिखना करना हो, देखना हो तो देख सकता है।
पता क्लियर है सभी को? देखिए इसका एग्जांपल फ्रेम करके, है ना। तो अब इसका एग्जांपल कैसे बनेगा तो ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अपन आते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो आपने तीन नंबर तो यूजर से गेट कर लिए। तीन नंबर यूजर से गेट करने के बाद में अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे अगर ए बड़ा होगा बी से, तो आपको एंटर मिलेगी। एंटर मिलने के बाद में आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि क्या ए बड़ा है सी से, है ना। मतलब आप देखें यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कि आप सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या ए बड़ा है बी से। अगर हाँ तो आप इधर एंट्री कर जाएंगे, और अगर नहीं तो आप इधर एंट्री कर जाएंगे। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ए बड़ा है सी से तो आप इधर एंट्री कर जाएंगे, नहीं तो आप इधर एंट्री कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इधर आते हैं तो ये चेक करोगे कि क्या ये बड़ा है, अगर हाँ तो इधर एंट्री करोगे, ना तो इधर एंट्री करोगे। समझ में आया? यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका इफ और एल्स, कि अगर हाँ सही है तो ये इफ चला, और नहीं तो आप इधर एल्स पर आए, और अगर यहाँ पर नीचे आए, अगर हाँ सही है तो ये इफ चला, नहीं तो इधर एल्स पर आए। सिमिलरली इधर चला तो यहाँ पर इफ पर आए, नहीं चला तो इधर आ एल्स पर आए। क्लियर है? अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। मैंने बोला कि अगर ए बड़ा होगा बी से तो चेक करेंगे क्या ए बड़ा है सी से, अगर हाँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे प्रिंट एलन, और मैंने अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, मैंने बोल दिया ए प्लस इज ग्रेटर एल्स, और एल्स पर आने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, एल्स पर आने के बाद में मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या जाएगा प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में यहाँ पर क्या जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सी इज ग्रेटर। क्लियर है? नहीं तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है एल्स, और एल्स पर आकर अपन फिर क्या करेंगे, एल्स पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, अगर ए बड़ा है बी से तो चेक करेंगे क्या ए बड़ा है सी से, अगर नहीं तो चेक करेंगे कि क्या बी बड़ा है सी से, अगर हाँ तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो सी इज ग्रेटर। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर आकर इसे रन किया सक्सेसफुली, मतलब कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अब मैं इसे रन करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 45, 56 और 67 इज ग्रेटर। अब इसमें एक कंडीशन आपको मैनेज करना रहेगी यहाँ पर, क्या कि कोई से या तीनों ही नंबर इक्वल हुए तो क्या होगा, कोई से दो नंबर इक्वल हुए तो क्या हुआ, ए और बी इक्वल है तो क्या हुआ, बी और सी इक्वल है तो क्या हुआ, ए और सी इक्वल है तो क्या हुआ, तो ये कंडीशन आपको मैनेज करना रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखकर रखा हुआ है। इसमें आप देखोगे आपको इफ के अंदर रेफरेंस मिल गया देखने को, और आपको एल्स के अंदर भी यहाँ पर रेफरेंस देखने को मिल गया। क्लियर है? अब फिर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ठीक है ये तो अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब इसके अलावा अगर अपन एक और कंसेप्ट देखिए, इसमें एक और एग्जाम्पल ही देखे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में ही, है ना। तो उसमें हमें करना क्या है यहाँ पर, तो उसमें मुझे यहाँ पे ग्रेड फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेड फाइंड आउट करना है। अब अगर मुझे यहाँ पे ग्रेड फाइंड आउट करना है तो ग्रेड फाइंड आउट कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, तो ध्यान से देखना है। इधर अपन आते हैं वापस से, यहाँ पर मैंने फाइल पर आकर क्या किया है न्यू, और आकर मैंने करा है डोंट सेव, है ना। अपन अब यहाँ पर आए, अब मैंने बोला मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे वही नेस्टेड डिफेंस का ही कंसेप्ट देखना है, और नेस्टेड डिफेंस का कंसेप्ट देखने के बाद मेरे को यहाँ पे ग्रेड फाइंड आउट करना है। अब मुझे अगर ग्रेड फाइंड आउट करना है तो ग्रेड अपन कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे, तो ग्रेड फाइंड आउट के केस में अपन यहाँ पर देखते हैं अपन करेंगे क्या। तो मैं यहाँ पर आया, अपन कंडीशन लिखते हैं पहले, तो यहाँ पर ठीक है मैंने लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपन गेट करेंगे क्या, गेट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूजर, है ना। अपन क्या करेंगे यहाँ पे मार्क्स गेट कर लेंगे 5 सब्जेक्ट्स के, किससे यहाँ पर आपके यूजर से, गेट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूजर।
अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ पे मार्क्स तो अपन ने गेट कर लिए, वो मार्क्स किस टर्म में हो सकते हैं, तो वो मार्क्स आपका M1 M2 M3 M4 कैसे भी आपके मार्क्स हो सकते हैं, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब अपन आते हैं यहाँ पे, है ना, 5 सब्जेक्ट से मार्क्स तो गेट कर लिए, अब कंडीशन क्या लगाना है, तो अब कंडीशन आपको ये लगाना है कि अगर आपके मार्क्स गेट करने के बाद में आप उनका टोटल निकालोगे, है ना, आप करोगे क्या यहाँ पर, आप यहाँ पे जो आपने यूजर को बोला मार्क्स एंटर करो, तो यूजर क्या एंटर करेगा, M1 M2 M3 M4 और M5 यूजर ये एंटर करेगा। अब ये सब एंटर करने के बाद में यूजर क्या करेगा, तो यूजर ये सब एंटर करने के बाद में इनका टोटल निकालेगा, और टोटल निकालने के बाद में इन सब पर क्या करेगा, परसेंटेज निकालेगा। अब टोटल कैसे निकालेगा वो तो सभी को पता है ना, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, है ना, ये क्या निकल जाएगा इसका, यहाँ पे टोटल निकल जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो क्या करेगा, टोटल डिवाइडेड बाय 5.0 परसेंटेज निकल जाएगा। अब परसेंटेज निकल जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, तो आपको यहाँ पे ये कंडीशन देना है क्या, कि अगर परसेंटेज है ना कितना होता है यहाँ पर, अगर परसेंटेज यहाँ पर ग्रेटर देन, है ना, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होता है यहाँ पर, अगर 75 एंड एंड परसेंटेज है ना लेस देन इक्वल्स टू कितना होता है 100, तो आप क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, ग्रेड ए, है ना, आप क्या प्रिंट करवाएंगे, ग्रेड ए। वहीं अगर अपन बात करें, अपन क्या बोलेंगे, अगर परसेंटेज है ना, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब 75 या 75 से ज्यादा और 100 या 100 से कम है तो ग्रेड ए आएगी, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 60 एंड एंड परसेंटेज अब लेस देन कितना होगा यहाँ पर 75, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ग्रेड बी। अगर परसेंटेज है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पर 50 एंड एंड परसेंटेज लेस देन कितना होगा यहाँ पर 60, तो इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, ग्रेड सी। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 33 एंड एंड परसेंटेज लेस देन कितना होता है यहाँ पर 50, तो उस केस में क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेड डी। और नहीं तो एल्स में आप क्या करवा दोगे, आप प्रिंट करवा दोगे, क्लियर है यहाँ तक, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे यूजर से ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स क्या करोगे यहाँ पर, गेट कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यूजर से यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स गेट करे, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स गेट करने के बाद में फिर आप क्या करोगे, तो आप इन सबका सम करोगे, है ना, मतलब M1 M2 M3 M4 M5 निकालोगे और उसको किस में रखोगे यहाँ पर, आपके टोटल वेरिएबल में रख लोगे। ये तो सभी को समझ में आया ना यहाँ तक, उसके बाद में आप क्या करोगे, तो जो टोटल आया होगा तो वो टोटल यहाँ आएगा, अब ये टोटल को डिवाइडेड बाय 5.0 करोगे, ये तो देखो ये निकालना आपको आता ही होगा, है ना, कैसे कि टोटल डिवाइडेड बाय कितना होगा 500 इनटू, अपन क्या करते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो बचता 5, डायरेक्टली मैंने 5.0 ही लिख दिया, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा यहाँ पर, आपके परसेंटेज में आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा। तो उसके बाद में आप करोगे क्या, तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि परसेंटेज अगर ये कैटेगरी में है 75 या 75 ज़्यादा और 100 या 100 से कम, तो क्या प्रिंट करवाओगे आप, ग्रेड ए, नहीं फिर वैसे बी, फिर सी और डी और आखिरी में ले रहे गए। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, बनाकर देखिए इसका एग्जांपल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर हमें देखना है तो अपन करेंगे क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर इसे सेव एस किया बाय द नेम डेमो 19, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेड। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, 19 लिखा, अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट से मार्क्स के लिए मैंने क्या लिखा है, M1 मैंने लिख दिया, M2 मैंने कितना लिख दिया, M3। फाइनली अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैंने इसे कॉपी किया पेस्ट किया, यहाँ पर आकर मैंने कितना लिखा है, 1 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत, अपन अब यहाँ पर आए, मैंने लिखा इंट टोटल, टोटल में कितना आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, ठीक है। तो ये आपके पास में टोटल आ गया, आपको प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट करवा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो प्रिंट एलन में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या,
टोटल मार्क्स, ठीक है। तो आपने टोटल मार्क्स लिखा, अब टोटल मार्क्स के बारे में आप क्या करेंगे, तो टोटल मार्क्स, अब टोटल मार्क्स के बारे में फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो है ना, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अपन प्रिंट करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या टोटल, क्लियर है, अभी मैंने लिखा टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स के बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, तो आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डी ओ यू बी एल ई डबल, डबल में आप क्या करेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज में अब क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में, तो परसेंटेज में आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में टोटल डिवाइडेड बाय 5.0, क्लियर है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज ही इसमें अपन क्या करेंगे यहाँ पर मैंने लिख दिया है पी आर, मैंने परसेंटेज भी प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप अपने को करना क्या रहेगा, यहाँ पे अपन यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली लिखा है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होता है 75 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू कितना होता है 100, अपन यहाँ पर आएंगे और अपन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में अपन क्या करेंगे यहाँ पे अपन प्रिंट करवाएंगे ग्रेड ए, कोई दिक्कत। अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन आएंगे यहाँ पर एल्स पर, और अपन ने ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो मैंने एल्स के अंदर आकर वो ब्रैकेट को क्लोज किया, ओपन और क्लोज किया है ना। अब ओपन और क्लोज करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होगा 60 एंड परसेंटेज लेस देन कितना होगा 75 है ना, तब उस केस में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में अपन अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या ग्रेड बी, नहीं तो अपन आएंगे एल्स पर। अब इसके इस इफ के अंदर वाले एल्स से अपन बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर आकर मैं फिर से लिखूंगा कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होता है 50 एंड परसेंटेज लेस देन कितना होता है यहाँ पर 60, तो आप क्या प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रेड सी, नहीं तो अपन आएंगे यहाँ पर फिर से एल्स पर, यहाँ पर आकर मैंने फिर से क्या लिखा है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है 33 एंड परसेंटेज लेस देन कितना है यहाँ पर अगर 50, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपन लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रिंट एल एन में अपन लिखेंगे यहाँ पे ग्रेड डी, एल्स, और एल्स में आके अपन क्या कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में अपन क्या लिखेंगे, ये अब एक चीज और आपको यहाँ पर इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। इंडेंटेशन मतलब क्या होता है, इंडेंटेशन मतलब आप सुनिए, सब लोग आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पर आता हूँ तो मैं एक टैब प्रेस करता हूँ है ना, आप देखो वहां पर कि ये अब होता क्या है यहाँ पे कि आप जैसे ये इफ है, अब ये इफ का ये वाला एल्स है, तो अब ये एल्स देखो ये यहाँ पर ओपन हो रहा है और ये यहाँ पर ये बंद हो रहा है नीचे, अब इसके बीच में बाकी की सारी चीजें आ रही है, अब फिर ये इफ है और इस इफ का यहाँ पर ये एल्स है, अब जो भी कोड होगा वो इस एल्स के अंदर आएगा, तो अब ये देखो ये पूरा कोड उस स्पेसिफिक एल्स के अंदर आ रहा है, तो आपको इससे थोड़ा सा ये समझ में आ जाता है देख के कि किसके अंदर कौन सी चीजें आ रही है। अगर आप सब कुछ एक ही लाइन में अगर लिख दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि किसका ओपन हो रहा है किसका क्लोज हो रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप ओपन करेंगे ब्रैकेट तो हाथों हाथ वहीं पर क्लोज करके आगे बढ़ेंगे, मतलब जैसे मैं हमेशा करता हूँ ना कि मैंने ओपन किया और क्लोज किया और फिर उसके अंदर मैं लिखता हूँ, मैं कभी भी ओपन करके लिखने के बाद में क्लोज नहीं करता, क्योंकि आपको बाद में समझ में ही नहीं आएगा कि किसका कहाँ ओपन कर रहा था और किसका कहाँ पे क्लोज करना है। कोड लिखने का तरीका आपका प्रॉपर होना चाहिए, नीट और क्लीन होना चाहिए, कम से कम वेरिएबल आप यूज करें है ना, और प्रॉपर फंक्शनिंग वहाँ पर आप रिप्रेजेंट करें। थोड़ा सा नीट और क्लीन कोड लिखोगे तो देखने में भी समझ में आएगा, एरर आएगी तो वो भी इजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ऐसा लिखना है, तो ये आई थिंक प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अब इसमें अपन करेंगे क्या, तो अब इसमें अपन ये करेंगे, इसको चलाकर देखते हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या 19, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है क्या एंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स 1 2 3 4 और 5,
टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड भी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें, एक बार फिर से चलाकर देख लो, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और फेल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आप अगर अपन बात करें, ये तो मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल बताया आपको, राइट। और वहीं अगर अपन बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बेसिक कुछ क्वेश्चंस दिए थे असाइनमेंट के, 35 क्वेश्चंस अप्रोक्स दिए थे आपके पास में, वो थे करने के लिए। उसके बाद में फिर मैंने आपको अलग से जो वो बताया था नंबर को रिवर्स करना है ना, तो फर्स्ट लास्ट डिजिट और वो सारी चीज़ें, वो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिए थे असाइनमेंट पे। तो आप फिर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था मार्कशीट का, कि आपको मार्कशीट प्रिपेयर करना है बैकग्राउंड कलर करते हुए, फोरग्राउंड कलर करते हुए। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब उसी को थोड़ा सा और अपडेट करते हुए अपन, वो ये है कि अब आपको उसी मार्कशीट को डायनेमिक बनाना है। वो तो आपने स्टैटिक बनाई होगी, सब कुछ फिक्स कर दिया, चला दिया तो चल गया। अब यहाँ पर आपने ये देखा ना, अब ये देखा आपने, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप यूजर से नाम गेट कर सकते हो। कर सकते हो? यूजर से नाम कैसे गेट करोगे? मैंने तो बताया ही नहीं। कर सकते हो? गेट कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो आप नाम गेट कर सकते हो, तो आप स्कूल का, कॉलेज का नाम गेट कर सकते हो, अपना नाम गेट कर सकते हो, फिर आप आपका रोल नंबर वगैरह गेट कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट के नाम गेट कर सकते हो, है ना। फिर कितने में से, है ना, टोटल मार्क्स वो गेट कर सकते हो, है ना। ऑप्टेंड, कितने ऑप्टेंड हुए हैं वो तो गेट कर ही रहे हो, है ना। और इन सबको वो वेरिएबल में जो आप सेट करोगे, तो उसको ऐसा फ्रेम करना है कि आपकी मार्कशीट यहाँ पर डायनेमिकली दिखे। सर, तो मार्कशीट के अंदर कैसे आता है? वही तो सोचना है आपको, ठीक है। तो ये मार्कशीट के केस में दूसरा अपडेटेड असाइनमेंट है, राइट। एक दो दिन में मैं जो आगे की कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट्स के बाद में मार्कशीट में तीसरा अपडेशन फिर से आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।